हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस वीर सावरकर को एक महीना कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, पूरा एक महीना हो चुका है आज के दिन पर ये फिल्म को। और इस वक्त पर बॉक्स ऑफिस पर क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में बात होगी, कल क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में बात होगी, और रणदीप हुड्डा इस वक्त पे फिल्म को किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिल्म के नंबर्स के बारे में। जिस तरीके से नंबर्स इस फिल्म ने उठाए हैं, किसी ने सोचा नहीं था, हेटर्स ने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस तरीके से फिल्म इतनी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन सबके मुंह पर ताला लगाते हुए फिल्म बहुत आगे पहुंच चुकी है। 24 करोड़ के आसपास का इंडिया नेट कलेक्शन, 24 करोड़ के आसपास का इंडिया नेट कलेक्शन इस फिल्म ने उठा लिया है। अगर बात करें वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की, 32 करोड़ हमने लास्ट पोस्टर देखा था, हो सकता है अब वो बढ़कर 34-35 करोड़ के आसपास का हो गया होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है अभी वीकेंड की। वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, आज के दिन पर भी आप विश्वास नहीं करोगे, आईनॉक्स आज के नहीं, ये मैं आपको कल के दिन का बता रही हूँ, 21 आईनॉक्स मेगाप्लेक्स इन ऑर्बिट मॉल में 135 का कल का शो हाउसफुल में जाने वाला है। फिलिंग फास्ट हो रहा है वो ऑलरेडी। और अगर मैं देख के बताऊं तो कुछ एक शो काउंट्स हैं जहां पर मुझे थोड़ी सी बढ़त नजर आई है, ज्यादा नहीं। और अगर आज की बात की जाए तो 7:25 शाम का शो जो है ये फिलिंग फास्ट में जा रहा है। और इसके अलावा आईनॉक्स रघुलीला मॉल वाशी में भी 7:30 बजे का शो है, ये हाउसफुल हो चुका है, फिलिंग फास्ट नहीं, हाउसफुल हो चुका है। तो शो काउंट्स कम हो जाएं, ऑक्यूपेंसीज कम नहीं हो रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि ऑडियंस अभी भी फिल्म को सपोर्ट कर रही है। और आगे भी मुझे लगता है जब तक ये फिल्म है बॉक्स ऑफिस पे तब तक ये फिल्म को सपोर्ट करती ही रहेगी ऑडियंस। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस वक्त पे रणदीप हुड्डा काफी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए जगह जगह पर इंटरव्यूज कर रहे हैं। 7-8 सालों के बाद उनका एक सोलो फिल्म ऐसी आई है जो सोलो लीड में आई है, एंड आई थिंक जिस तरीके की उन्होंने कैरेक्टर को निभाया है, मुझे नहीं लगता कोई और भी एक्टर होता तो वो इस फिल्म को इस तरीके से कर सकता था, इतनी डेडिकेशन, इतनी सिंसियरिटी के साथ। सो एक महीना मुबारक हो, और मुझे ऐसा लगता है आगे और दिन चलते रहे जब तक ये फिल्म आगे बढ़ती है। पता है आपको बहुत खुशनसीब होते हैं वो फिल्में जो एक एक महीना कंप्लीट कर पाती हैं, क्योंकि जब ऐसा होता है कि एग्जिबिटर्स ये देख लेते हैं कि फिल्म का कलेक्शन जो है वो बहुत कम आ रहा है, वो फिल्मों को चांस नहीं देते हैं। लेकिन इस फिल्म को चांस सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की वजह से मिल रहा है। ऑडियंस अभी भी जाकर जो ऑक्यूपेंसीज दिखा रही है उससे अभी भी एग्जिबिटर्स के मन में एक हिम्मत बनी हुई है, ताकत बनी हुई है कि भाई फिल्म अभी भी चल रही है, चाहे थोड़ा बहुत कम है, शो काउंट्स कम है, या फिर कोई ना कोई ऑफर के थ्रू, मुझे नहीं लगता कोई ऑफर इस पर अभी एप्लीकेबल होगा, 1+1 का या कोई भी, लेकिन अभी भी लोग ग्रुप्स में आ रहे हैं, फिल्म को देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं क्या अगले हफ्ते भी फिल्म लगी हुई है तो खुश हो जाओ, अगले 6-7 दिनों के लिए शोज खुल चुके हैं। जी हाँ, अगले 6-7 दिनों के लिए शोज खुल चुके हैं। कल का मैं आपको शो बता ही रही हूँ कि फिलिंग फास्ट में चल रहा है, इसका मतलब कल के दिन पे कलेक्शन बहुत अच्छी आने वाली है। लेकिन अगर हम आज का प्रेडिक्शन करते हैं, आज कहीं ना कहीं 12 लाख के आसपास का नंबर मुझे आता हुआ लग रहा है। अब ये लाखों में चल रही है, अब ये डबल डिजिट वाले लाखों में चल रही है, धीरे धीरे सिंगल डिजिट पे भी आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उससे पहले OTT डील आ जानी है और मोस्ट प्रोबेबली Zee5 पर ये फिल्म प्रीमियर होगी। किस दिन पर होगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तब तक के लिए आपका क्या कुछ कहना है इस कलेक्शन पर, आपकी क्या राय है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट ऑल स्टोर, थैंक्स।